जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। मैं अंकित यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ नेव्स एकेडमी चैनल पर। ठीक है भाइयों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आपको कोई भी डाउट आए आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और मैंने ये कहा था कि आपके जो डाउट होंगे वो मैं आपको आपके पास वीडियो के थ्रू पहुंचाने का काम करूंगा। तो एक भाई ने क्वेश्चन भेजा है, पतौंदी, पतौंदी के रहने वाले हैं ये। ठीक है, तो उनका डाउट ये था कि सर इसमें क्या आएगा। ठीक है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था एक क्वेश्चन और बोले थे सर इसे जरा डिस्कस करके बताओ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। और अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसे हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन में होगा क्या और कैसे आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि कैसे इसमें क्या होगा। ठीक, तो इससे इसमें डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, इससे इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा, इन सब का आप सम करके देखो तो इसका सम कितना हो गया आपका 30 और 42 और 6 48, क्या इसका भी 48 हो रहा, देखते हैं। 40 48 तो यही हो गया, नहीं हो रहा भाई, ये तो आपका गलत हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करो, इसमें से सबट्रैक्ट करो, 23 25 कितना हो गया आपका 2, इसे इसे ऐड करो, 26 38 12 गलत हो गया। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट लगा लिए, नहीं आ रहा, तो चलो अब इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा क्या। कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा, जो ऊपर वाले दोनों नंबर्स हैं उन्हें हमें ऐड करना है और जो नीचे वाला है उससे हमें डिवाइड दे देना है। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 25 25 प्लस 17 कितना हो गया आपका डिवाइडेड बाई 6, मैंने क्या बताया था 25 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6 30 और ये आपका हो गया 42, 6 से डिवाइड देंगे तो आपका क्या आ रहा है क्वेश्चन 7। ऐसे ही इसमें करेंगे, अगर क्वेश्चन 7 आएगा तो वैसे ही उसमें कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं, 38 प्लस 18 40 8 8 16 56 डिवाइडेड बाई 8 7 आ रहा। ठीक है जी, अब इसकी बात करें, 18 प्लस 16 किससे भाग दे दे इसमें जो हमारा कितना आ जाए, मान लो इससे अगर हम x से भाग दे दें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए 7 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इधर जाएगा x, इसके अपॉन वन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, ये हो गया तो आपका क्या हो गया 7x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका ये। अब 7 से इसमें डिवाइड लग जाएगा, x हमने x से डिवाइड किया था, x का इसे अगर हम x मान लें तो। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 20 और 4 अरे ये गलत हो गया, ये गलत लिखा हुआ है, ये क्या है क्वेश्चन आपका 89 16 है, 89 16। ठीक, तो क्या करना है हमें 89 और 16 को ऐड करना है, 89 और 16 को ऐड करना है, 89 16 को ऐड करो कितना होता है 80 और 10 90 और 15 105। ठीक है, तो ये हो गया 105 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 15, अगर आपके 15 ऑप्शन में है तो आपका सही है 15, तो इसका कॉन्सेप्ट तो आपको समझ ही आ गया होगा, आपका आंसर हो गया 15। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्या भेजा है उन्होंने, क्वेश्चन है उनका दूसरा, मैं बना रहा हूं इस पर दूसरा क्वेश्चन क्या भेजा है उन्होंने। ठीक है, उसे भी डिस्कस करते हैं। ये तो सबको समझ ही आ गया होगा, ऊपर वालों को दोनों को जोड़ के और जो नीचे दिया उससे डिवाइड कर देना है, क्वेश्चन सब में बराबर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन था उनका कि ये फिगर दे रखा है आपको, एक ये फिगर दे रखा है, ठीक है, इस फिगर में क्या है नंबर मेंशन है, नंबर क्या है आपका 3 2 2 4 और आपका क्या हो गया बीच में 33, सेकंड दे रखा है आपको 4 2 54
आपका 3 और 5, उसके बाद नेक्स्ट है आपका 6, 3, 5, 4, और आपको इसमें बताना है कि इसमें आपका क्या आएगा, ठीक, ये है, और ऑप्शन है आपके, ए है 78, बी 82, सी 94 और डी आपका है 86, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है भाइयों, तो देखते हैं इसे क्या करना है, इसमें इन्हें ऐड करके देख लो, सबसे पहले तो 5, 9, 11, 11 3 जा 33, ठीक है, 11 बार वालों को सब मल्टीप्लाई बाई 3, अगर आंसर आता है तो ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगता है तो ठीक है, 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14, 14 3 जा 42, गलत हो गया, ठीक, दूसरी चीज देखते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो और इनका मल्टीप्लाई कर लो, ऐड करके देख लो, 4 2 8, 3 9, 6 14, नहीं हो रहा, लेकिन भाइयों इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या दे रखा है, जो आउटसाइडर्स नंबर है ना उनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, उनका क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, तो देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4, 9, 4, 16, 16, 4, 20, 20 और 13, 33, ये 33 आ रहा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4, 13, 10, 23, 29, 50, 44, both 34 और 20, 54, ये आपको क्या हो गया 54, ऐसे ही इसमें कर लेना है, इसमें क्या हो जाएगा 36, 25, 9 और आपका 16, ऐड कर देना है सबको, 11, 20, 26 का कैरी 2, 5, 6, 2, 8, 86 ऑप्शन में है, हाँ जी है, आपका आंसर आ गया 86, क्या करना है हमें, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, क्या करना है इसमें हमें, स्क्वायरिंग ऑफ आउटसाइडर्स देन एडिशन, ठीक है, बाहर वाले नंबरों का स्क्वायर करना है और आपस में जोड़ देना है, आपका आंसर आ गया होगा, ठीक है भाई, आशा करता हूं आप लोगों को ये दोनों डाउट समझ आए होंगे, ठीक है, उसके बाद भाई मुझे जल्दी जल्दी डाउट भेजो ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, ठीक है, थैंक यू मेरे भाइयों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डाउट के साथ, ठीक।